नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं खेल और उनमें उपस्थित खिलाड़ियों की संख्या को लेकर, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, ये तो सभी को पता है। जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे नीचे की ओर, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो कन्फ्यूजन वाला सब जो आंसर है उनको याद करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए फुटबॉल, फुटबॉल में भी जो है 11 ही खिलाड़ी होते हैं, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में भी कुल 11 ही खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स हॉकी, हॉकी में भी कुल 11 ही खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5, यहाँ से कन्फ्यूजन जो है स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5 होती है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला है फ्रेंड्स बेसबॉल, बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, याद रखिएगा इसे। बेसबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है रग्बी फुटबॉल, अगला क्या है? रग्बी फुटबॉल। केवल अगर फुटबॉल रहता तो फ्रेंड्स 11 होता, लेकिन यहाँ पे रग्बी फुटबॉल की बात कही गई है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या 15, याद रखिएगा इसे। रग्बी फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, जबकि केवल फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स पोलो, पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4, याद रखिएगा। पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4। अगला फ्रेंड्स वाटर पोलो, पोलो में जैसा कि हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती थी, लेकिन वाटर पोलो में 7 होती है, याद रखिएगा। वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। चलिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जो कुल खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, याद रखिएगा। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स कबड्डी, कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ये तो आमतौर पर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि घर गाँव गाँव घर में भी खेला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला है फ्रेंड्स नेटबॉल, नेटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7, याद रखिएगा। नेटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला है फ्रेंड्स खो खो, खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, याद रखिएगा। खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है टेनिस और टेबल टेनिस, इन दोनों में एक या तो दो खिलाड़ी होती है, याद रखिएगा, एक या दो खिलाड़ी। चलिए अगला है फ्रेंड्स जिमनास्टिक, अगला क्या है? जिमनास्टिक, तो जिमनास्टिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, इसे भी याद रखिएगा। जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है आपको इंपॉर्टेंट खेल और उनमें उपस्थित खिलाड़ियों की संख्या को लेकर के कराया, जरूर है वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपना छोटा सा राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि NTPC एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए मैं जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से आप लोगों का नंबर ना छूटे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर वीडियो आपके तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।